कैश बांटने के आरोपों पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने लिया लीगल एक्शन। खड़गे राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। छवि को नुकसान पहुंचाने का आदेश। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले हलचल हुई तेज। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के नतीजों से पहले पुणे में अजित पवार के पोस्टर लगे। महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दिखाया गया। एनसीपी अजित गुट के नेता संतोष नांगरे ने पुणे में लगवाए थे अजित पवार के पोस्टर, बाद में हटवाए गए पोस्टर। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। कहा महा वोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बना एमबीए। नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर शुरू हुई लड़ाई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का एनडी गठबंधन पर निशाना। कहा एनडी गठबंधन के लोग केवल पद के लिए लड़ते हैं, उनका राज्य के विकास के लिए कोई मिशन नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। का एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा, एमबीए ही बन रही है सरकार की बन रही सरकार। ख्याली पुलाव पकाना कांग्रेस का अधिकार है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले महायुति के होटल और हेलीकॉप्टर बुक किए जाने पर बोली प्रियंका। कहा अगले 50 साल के लिए जनता महायुति को छुट्टी देने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कहा नाना पटोले और संजय राउत के बीच विवादित बयान देने की स्पर्धा। ये वही पार्टी है जो वोट नोट और शराब जिहाद में विश्वास रखती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है बीजेपी। यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले समर्थकों से अखिलेश यादव की अपील। कहा मतगणना केंद्रों पर डटे रहें और वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा सपा हार के डर से दे रही ऐसे बयान, उपचुनाव में जनता अखिलेश को नकार रही है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, 9 में से 9 सीटें जीतने का दावा किया। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने लोगों तक पहुंचाई विकास योजनाओं की बात। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला, बोले जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल चरित्र। मीरापुर में वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत तेज। सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात। दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते सीएचओ का किया था सामना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड के नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। कहा चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। केजरीवाल बोले हमने फ्री बिजली अच्छी शिक्षा समेत दिल्ली को 6 रेवड़ी दी। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन के जरिए बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल। बोले बीजेपी आई तो मुफ्त की सुविधा बंद कर देगी, अब दिल्ली वाले तय करें उन्हें रेवड़ी चाहिए या नहीं।